नो क्वेश्चन यहाँ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू छः ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस इस ए स्क्वायर इक्वल्स टू थर्टी टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस एक्वल्स टू वन एटी नाइन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर ए बी सी देखिए यहाँ पर फार्मूला क्या यूज होने वाला है फॉर्मूला होने वाला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का थ्री ए बी सी इक्वल्स टू क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए यही होता है अब यहाँ पर ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या क्या हमें गिवेन है क्वेश्चन में क्या क्या गिवेन है ए प्लस बी प्लस सी हमको गिवेन है ए प्लस बी प्लस सी गिवेन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये भी हमको गिवेन है ए क्यू बी क्यू सी क्यू ये भी हमको यहाँ पर गिवेन है क्या पता लगाना है इस वाले वैल्यू को फाइंड करना है और इस वाले वैल्यू को फाइंड करना है सबसे पहले हम इस वाले वैल्यू को फाइंड करते हैं उसके लिए क्या करेंगे क्वेश्चन में हमें दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी इक्वस टू दोनों तरफ हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे ती हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल्स टू छ के स्क्वायर छत्तीस अब यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना दिया गया है बत्तीस दिया गया है तो बत्तीस प्लस टू इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए टू कितना हो जाएगा छत्तीस अब यहाँ पर बत्तीस क्या जाएगा उधर जाएगा तो टू इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना हो जाएगा आपका बत्तीस में से छत्तीस में से बत्तीस घटाएंगे तो हो जाएगा चार और यहां से हो जाएगा आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी एक्स टू कितना हो जाएगा दो कितना हो जाएगा आपका दो तो इस वाली वैल्यू को हमको पता लग गया कितना आ गई दो अब हमें क्या करना है ए बी सी के वैल्यू को फाइंड करना है तो उसके लिए भी क्या करेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए क्यू आ गया कितना है वन एटी नाइन है माइनस का थ्री ए बी सी हम लिख देंगे बराबर कितना a ए प्लस बी प्लस सी कितना है छः है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना आ गया बत्तीस आ गया और ए बी माइनस बी सी माइनस ए कितना आ गया माइनस का दो आ गया अब यहाँ से वन एटी नाइन माइनस का थ्री ए बी सी इक्वल्स टू गुना तीस हो जाएगा और माइनस का थ्री ए बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक सौ अस्सी माइनस का एक सौ नवासी तो यहाँ से ए बी सी इक्वल्स टू क्या जाएगा ये जाएगा आपका थ्री ए बी सी इक्वल्स टू हो जाएगा थ्री हमसे पूछा क्या है फोर एबीसी तो थ्री इंटू क्या करेंगे फोर इक्वल्स टू बारह बारह जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉमेंट में जरूर कीजिएगा